सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए, रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी इंटरनेट यूजर ने लोकल आईपी, ग्लोबल आईपी, स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी या फिर सिंपल आईपी एड्रेस के बारे में तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो बहुत से दोस्त अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल आईपी क्या है, इंटरनेट आईपी कौन सी होती है, या फिर इन सारे आईपी एड्रेसेस की जरूरत क्यों होती है, या इसकी अलग अलग टाइप्स कैसे काम करती हैं। तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी असली आईपी है क्या, कैसे पता करें कि हमारी आईपी क्या है, क्योंकि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं तो वहां पर कुछ और आईपी शो हो रही होती है, और अगर इंटरनेट पर जाकर गूगल में लिखते हैं कि व्हाट इज माय आईपी तो वहां पर कुछ और आईपी शो हो रही होती है। तो फिर आखिर हमारी आईपी क्या है, ये कैसे पता करें। अब दोस्तों, इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम सभी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जैसे आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप YouTube के किसी सर्वर से फेच कर रहे हैं अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, तो आप डायरेक्टली उस सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और बाद में स्क्रीन पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को ईमेल करते हैं, कोई वेबसाइट देखते हैं, तो ये सभी काम दुनिया भर में अलग अलग जगहों से असल में आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको आईपी का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब फॉर एग्जांपल, आपका जैसे पोस्टल एड्रेस होता है या आपके घर का एक मुकम्मल एड्रेस होता है, तो ये एक तरह कोई मुकम्मल सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर जगह पर आपको अलग अलग एड्रेसेस मिलते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त किसी दूसरे शहर में रहता है, तो उसने अपना एड्रेस और रखा होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई रूल नहीं होता, कोई कुछ यूज कर लेता है एड्रेस और कोई कुछ यूज कर लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट क्योंकि पूरी दुनिया यूज करती है और इंटरनेट में एक जगह से दूसरी जगह डेटा एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और प्रोटोकॉल मींस के एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक फिक्स एड्रेस बनाया गया है जो हर किसी के लिए सेम फॉर्मेट में होगा, हर किसी के लिए अलग होगा और सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उसे यूज कर पाएंगे। अब जो नॉर्मल आईपी एड्रेस होता है, उसमें चार सेक्शन होते हैं, 0 से लेकर 255 तक। हर सेक्शन की लिमिट होती है। ये 32-bit बेस्ड एड्रेस की स्कीम है और आपको जो एड्रेस मिलता है वो मिलता है मिसाल के तौर पर 64.25.18.40। तो ये आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। अब ये एक आईपी वर्जन 4 मतलब IPv4 बेस्ड आईपी एड्रेस होता है और ये सिर्फ 4 बिलियन एड्रेसेस को ही जनरेट कर सकता है। अगर आप 4 बिलियन से ऊपर जाओगे तो आपके एड्रेसेस दोबारा से रिपीट होने लग जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोकल और ग्लोबल आईपी क्या होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नेटवर्क की बात करते हैं। अब दोस्तों, नेटवर्क इंटरनेट पर भी हो सकता है और नेटवर्क आपके घर में भी हो सकता है। अब अगर एक चीज से काफी सारी चीजें कनेक्ट हों, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक नेटवर्क है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक मॉडेम लगा हुआ है या राउटर लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, टैबलेट पर या टीवी पर इंटरनेट यूज करते हैं, तो ऐसे केस में इन सारी डिवाइसेस की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए, सबकी अलग अलग आईपी होनी चाहिए। अब चाहे वो लोकल नेटवर्क है या फिर ग्लोबल नेटवर्क है। अब अगर 10 चीजें एक ही राउटर से कनेक्ट हैं, तो राउटर कैसे पता करेगा कि कौन सी डिवाइस कौन सी है। अब यहाँ मैक एड्रेस का भी बहुत रोल होता है, लेकिन मैक एड्रेस क्या है तो वो एक लंबा टॉपिक है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैक एड्रेस के अलावा भी नेटवर्क पर अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देने का काम आईपी करती है, फिर चाहे वो लोकल नेटवर्क हो चाहे वो इंटरनेट पर हो। अब लोकल नेटवर्क में आपके घर में लगा हुआ मॉडम एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा होता है और उसी नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उन सबको एक आईपी भी असाइन कर रहा होता है। अब यहाँ पर आईपी अलग होगी और उसे हम लोकल आईपी कहेंगे। अब ये जो आईपी होगी, ये इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि आपके घर में लगा हुआ मॉडम या राउटर प्रोवाइड करेगा।
फिर बात आती है ग्लोबल आईपी की, तो ये भी इससे मिलता जुलता ही है क्योंकि वो भी एक नेटवर्क ही है। अब इंटरनेट पर तो आप सभी जानते ही हैं कि बहुत बहुत सारे यूजर होते हैं, तो ऐसे में हर यूजर की एक अलग पहचान तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जो इंटरनेट पर आपकी पहचान होता है। अब वो आईपी स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। अब डायनामिक मतलब आईपी चेंज होती रहती है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी आईपी एक्स है, फॉर एग्जांपल अगले आधे घंटे में वो वाई हो और अगले आधे घंटे में या अगले दिन में वो जेड हो, तो ये आईपी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर तब्दील करता रहता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या हमारी पहचान भी चेंज होती रहती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के पास एक पूरा डेटाबेस होता है। जैसा कि आज अगर यकम तारीख है और कोई इलीगल एक्टिविटी कर देता है, तो उस वक्त आईपी थी मान लीजिए एक्स, लेकिन जब पता चला कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो चुकी है तो उस वक्त आईपी थी जेड, तो क्या वो इंसान बच जाएगा जिसने गलत एक्टिविटी की है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, बल्कि नेटवर्क प्रोवाइडर चेक करेगा कि ये आईपी इस तारीख को इतने बजे किसको असाइन की गई थी, तो वहां पर उस शख्स का नाम आ जाएगा जिसने उस आईपी से इलीगल एक्टिविटी की होगी, और नेटवर्क प्रोवाइडर उस शख्स का सारा डेटा निकाल कर पुलिस को दे देगा। आईपी चेंज होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई शख्स पकड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे कुछ लोग आईपी चेंजर को भी यूज कर लेते हैं कि हम पकड़े नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। जब कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो पकड़ने वाले पकड़ ही लेते हैं। फिर बात आती है स्टैटिक आईपी की, कि ये स्टैटिक आईपी क्या है और ये कहां पर यूज किया जाता है। तो कई बार शायद आपने मल्टीप्लेयर गेम खेली होंगी जहां पर आपको आपकी आईपी डालनी होती है, क्योंकि भाई आईपी आपकी पहचान है, तभी तो आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे या अलग अलग डिवाइसेस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एक गेम को अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं और वो भी ऑनलाइन, तो वहां पर उन प्लेयर्स की पहचान उनकी आईपी से होगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि शायद आधे घंटे बाद आपकी आईपी चेंज हो जाए और गेम चलते चलते रुक जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर 30 मिनट बाद आईपी चेंज हो रही है और आप भी अपनी आईपी उस गेम में बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है स्टैटिक आईपी की। अब इस आईपी को यूज करने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जो काफी महंगी कीमत की होती है। उसकी वजह यह है कि जो प्रोवाइडर है उसे एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी आईपी चेंज ना हो, तो इसी के लिए आपको अलग से उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, डायनामिक, ये सारी आईपीज क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और ये सारी काम कैसे करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।